भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। बता दें कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने और 6 अप्रैल को होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर मंथन की गई। इसके साथ ही कई अहम जो है निर्णय भी लिए गए। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने का संकल्प भी लिया। इसके साथ ही बता दें कि 19 लाख रोजगार के सृजन के साथ साथ निश्चय पार्ट 2 को लागू करने और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करने की भी बात कही गई। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखिए। सम्मानित है उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा हमने 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है उस अवसर पर अपने सम्मानित पूर्व कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे 1996 से पहले, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे और इसमें हम उनके संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में, जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है, उसका सदुपयोग राजनैतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के, जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपमुख्यमंत्री, देखिए इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने वाले सभी अपने नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने हम सबों को जो जनादेश दिया और एक सबसे बड़े दल के रूप में आज हम सदन में हैं, तो हम जिन मुद्दों को लेकर विगत चुनाव में गए थे और वो सारे मुद्दों को, और हमारे जो सभी सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड है और अन्य दो जो सहयोगी दल हैं, समूह के घोषणा पत्र के प्रमुख एजेंडे को समाहित करके जो हमारी NDA की सरकार है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 का एक खाका हम सबों ने जो खींचा है और उस पर हमारी सरकार कार्य भी प्रारंभ की है, और वो सारे विषय आज और कल दो दिनों में चर्चा के दौरान और विभिन्न प्रस्ताव के द्वारा आया है। और वास्तव में बिहार हम सबों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बिहार के लोगों ने लगातार ये 4थी बार जनादेश दिया है, तो बिहार के लोगों के कल्याण के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर हम चले थे उसको हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार है और समन्वय नहीं रहे तो फिर सरकार कैसे चलेगी, और हमेशा देखा गया है कि हमेशा सरकार और समन्वय दोनों एक साथ रहता है, और यही कारण है कि आज 4थी बार हमारी सरकार NDA की सरकार बनी है और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। सरकार और कार्यकर्ता दोनों साथ होने से ही समन्वय होता है, और समन्वय जब साथ रहेगा तभी आपको आज जो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है मेरे कार्यकर्ता के बदौलत ही मिला है। इसलिए कार्यकर्ता के बदौलत है और कार्यकर्ताओं को जो निर्देश मिला है, निश्चित रूप से हम सभी लोग आने वाले पंचायत चुनाव में, और विशेष करके मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो 50% NDA सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन महिलाएं हमारी 56% जीत के आई हैं और इस बार तो हमारी महिलाएं 65% जीतेंगी, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति बहुत सजग और सरल है। आज देखे होंगे जो हमारे आत्मनिर्भर आप बिहार हमारा जो है, सो आत्मनिर्भर बिहार में किस तरह से हमारी जीविका दीदी कैसे बढ़ रही हैं, जीविका दीदी ने बहुत सारे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, और आज उनके भरोसे एक महिला एक माँ होती है और उनका जो सोचना होता है वो माँ की तरह होता है। और आज जितने अनुमंडल हॉस्पिटल हैं सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आज जीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है, और एक भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ। आज अभी भाई 10 लाख रुपये की बात कहें, हमारी महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख फ्री और 5 लाख 84 महीने में देना है, और कोई उनको अति पिछड़े को तो इंटरेस्ट नहीं देना। हमारी सामान्य वर्ग की जो महिला है उन्हें 1%।